हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। आज हम देखेंगे डेरिवेटिव चैप्टर्स के, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ फॉर्मूलेज बताए थे डेरिवेटिव्स के, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है उसी के कुछ फॉर्मूलेज को हम इस्तेमाल कैसे करें हम ये देखेंगे, उसके जो तरीके हैं ईजी तरीके। देन एक फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन, जो कि काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है और इसी पर डेरिवेटिव के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देन इस फॉर्मूले पर हम क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे आसान से आसान तरीके से। एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन, इसका डेरिवेटिव मैंने बताया था एन इंटू एक्स रेस टू द पावर ऑफ वन एन माइनस वन, मतलब ये एन का जो पावर है, एक्स का जो पावर एन है वो पहले आ जाता है, देन एक्स का पावर एक कम हो जाता है, जो पहले एन था वो एन माइनस वन हो जाता है। जैसे कि मैं यहां पर अभी अप्लीकेबल करता हूं, एक इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3x² का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, देन इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसे मुझे d बाय डी एक्स करना होगा, इधर सिंबल 3 d बाय dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3x², देन इस 3 को मुझे बाहर निकालना होगा क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा ये, मतलब मुझे x² का डेरिवेटिव निकालना है। x² का डेरिवेटिव 3 एज इट इज रहेगा, उसके मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव कितना होगा, जैसे मैंने बताया n की जगह 2 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, इस फॉर्मूले में रखिए, देन x एज इट इज आएगा, देन 2 में से एक पावर कम हो जाएगी, डायरेक्ट 1 आ जाएगा, मतलब n माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, ये हो जाता है सीधा आपका 6x, मतलब 3x² का डेरिवेटिव होता है 6x। ठीक है, अब हम देखेंगे एक इक्वेशन देखेंगे, डेराइव द डेरिवेटिव ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसके अंदर हम देखेंगे 3x² प्लस 66x³ माइनस 43x प्लस 1469 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, आप देख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव करना है, इसके डेरिवेटिव निकालना है मुझे। क्या करेंगे, सिंपल सी इक्वेशन है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसे x से डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो हर जगह क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 6 डेरिवेटिव ऑफ 66x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 43x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1469 इक्वल टू 0। ये आ गया, सब जगह हमने डेरिवेटिव लिख दिया है। देन अब क्या करना है, गौर से देखिएगा, डायरेक्ट हम डेरिवेटिव लिखेंगे, डायरेक्ट ट्रिक्स, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ 3x² 3 बाहर निकल गया, x² का डेरिवेटिव 3 × x² का 2x, क्लियर है। देन सेम चीज डेरिवेटिव ऑफ 66 बाहर निकल जाएगा, x³ का डेरिवेटिव 3x² देन 66 × 3x² देन सेम, यहां पर माइनस साइन एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 43x 43 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। हम अगर इस फॉर्मूले में भी अप्लाई करके देखते हैं, अगर यहां देखिए x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब x रेस्ट ऑफ पावर ऑफ 1 का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 × x × 1 − 0 इसका पावर, ये n की जगह यहां पे 1 है तो 1 एज इट इज, देन 1 में से एक फिर माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, 1 × x का पावर 0 हो जाएगा, x का पावर 0 1 होता है, मतलब x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहां पर देखिए हम 43 × x, x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे उसका डेरिवेटिव, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1469 1469 का डेरिवेटिव, ये पूरी टर्म जो है कांस्टेंट है, डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे इक्वल टू 0, ये मुझे मिल गया इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 6x, ये हो जाएगा 6x प्लस 66 × 3, जो भी वैल्यू आएगी उतने टाइम्स x² कितना आता है, 66 × 3 देन हम इसको फिलहाल वैसे ही लिख देते हैं, × 3 × 66 × 3 × x² माइनस
43 इक्वल टू 0, ये हमारा डेरिवेटिव निकल गया फाइनल। क्लियर है दोस्तों? इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू।